ये जितना भी है खेती वाला है भाई। और दोस्तों पहला नंबर हम इसी में से माल लेके जाते हैं फेरी पे, और आपको दिखाता हूँ भाई फेरी में क्या चीज सबसे ज्यादा बिकता है और क्या क्या चीज हम ले जाते हैं। तो और आ जाओ प्रिंस। ये दोस्तों ये मैं खोल लेता हूँ, टी शर्ट आजकल बहुत ज्यादा बिकने वाली आइटम है, जिसको ऊपर रखेंगे। और पहला नंबर हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों अभी देखते हो धूप बहुत तेज है और हवा भाई कितने तेज है, लेकिन दोस्तों हमारे घर की जो भाई चारों तरफ से बाउंड्री है पक्के और सरपत का, इसकी वजह से अंदर हवा बहुत कम लगता है, तो इसलिए हम लोगों को हमेशा भाई बाहर ही आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज अभी नाश्ता पानी हो गया है और गाड़ी काफ़ी गंदी थी, इसलिए भाई आज प्रिंस गाड़ी धोने जा रहा है। हाँ प्रिंस। हाँ। तो भाई गाड़ी देख सकते हो कितनी गंदी है, और अभी छुट्टी हूँ अभी क्योंकि काम पे नहीं गया, तो अभी फिलहाल चलता हूँ इसको गाड़ी वाड़ी धो लेता हूँ अच्छे से। भाई बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है, क्योंकि इसको अच्छे से फुला लेता हूँ पहले पानी डाल के। ये हमारी भाई धनों है, इसी से सारा भाई पैसे भी कमाना है, इसी से चलाना भी है, कहीं भी जाना आना होगा तो इसी से सब कुछ करना पड़ता है भाई। हाँ गरात गरात गाड़ी धुलवा गई है। तो भाई फाइनली भी गाड़ी धो लिया और अभी चलते हैं, नहाते हैं फटाफट दोस्तों। और तो दोस्तों फाइनली भी नहा वहा के हम लोग रेडी हो गए, और हम प्रिंस और दोनों आदमी जा रहे हैं भाई दादा के लड़की को परीक्षा देने। तो चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, देखता हूँ भाई आप लोगों का और दिखाता हूँ भाई गाँव देश का रीति रिवाज कैसा होता है। तो भाई फाइनली अभी निकल पड़ा हूँ और परीक्षा देने के लिए, क्योंकि दादा और चाचा जितने भी उनके सारे लोग चले गए, हम और मुलजम है। तो अभी भाई यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, और अभी देखो किस तरह मौसम है, बादल बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों भाई मार्केट था हमारा मुसाफिर खाना का छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं अभी जरूरी है। भाई फाइनली भी हम लोग पहुँच गए भाई, और पानी वानी का इंतजार हो रहा है कि नाश्ते में क्या क्या आएगा। तो अभी देखो तो सारे लोग आए हुए हैं भाई, उधर सामने नाश्ता पानी बन रहा है। होएगा 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 होएगा
तो दोस्तों फाइनली अभी आ गया दुकान पे और दोस्तों परीक्षा उच्छा देख के वापस आ गया, खाना खाते ही तुरंत भाग लिया क्योंकि है ननमहर बाबा का बाजार। और दोस्तों हमें जितना भी फेरी सामान ले जाता हूँ वो सारा बाहर निकाल दिया हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। और ये भाई ये पूरा हमारा गठरी खाली हो गया था और इसमें से जितना भी फेरी वाला आइटम था सब निकाल लिया हूँ बाहर। और इधर जो फेरी मार के आया तो काउंटर पे रख दिया हूँ निकाल निकाल के, जो आगे हैंडल पे बांधता वो सारा मटेरियल ये इस पे काउंटर पे रख दिया हूँ। और जो बैग वाला है इसमें पैक है, तो क्या करना अभी दोस्तों इसको बैग को खाली करके और जितना भी काउंटर पे कपड़ा रखा हुआ सब हमें इसके अंदर रखना पड़ेगा झोले के अंदर, क्योंकि ननमहर बाबा के यहाँ बाजार सर्दी लगते हैं तो वहाँ के लिए सारा आइटम ले जाना होता है। तो दोस्तों जैसा हम कभी कभी फेरी काम करते हैं या बाजार भी जाते हैं तो दोस्तों हम कपड़े की दुकान इसी तरह करते हैं, जब हमें खाली टाइम मिलता है जैसे हमें लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा मार्केट में तो या घर पर कोई काम है तो हम फेरी पर चले जाते हैं। फेरी पर इसलिए चले जाते हैं कि फेरी पर जल्दी वापस आ जा सकते हैं क्योंकि रात नहीं होने पाता, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा अगर हम फेरी मार देंगे। लेकिन दोस्तों बाजार जाते हैं तो बाजार टाइम से आना पड़ेगा क्योंकि हम चाहे 11 बजे जाए चाहे 10 बजे जाए चाहे 12 बजे जाए कितने बजे भी जाए लेकिन शाम को हम आएंगे 8 बजे 9 बजे ही, इसलिए फेरी काम में हम कभी भी निकल सकते हैं और कभी भी वापस आ सकते हैं और यही चक्कर है। और बाजार से भी आ सकते हैं लेकिन बाजार में मार्केट बहुत सारी लग जाती है, दुकान लग जाती है तो हमें क्या होता है वहां से कपड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है, गट्ठर लादना गाड़ी पर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए हम फेरी पर चले जाते हैं जो भी काम ज्यादा घर का होता है उस दिन। और जिस दिन छुट्टी होते हैं उस दिन भी मैं फेरी पर जाता हूँ तो फिर भी अच्छा सेल हो रहा है इस समय। और अभी ये पेटीकोट है दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है दोस्तों, ये चुनरी है, ये चुनरी मेरा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ये सारी चुनरिया, अभी इसको 12 पीस लाया था 12 पीस में 4 पीस बचा हुआ है, अगर बाजार और लेके गया होता तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो चलते हैं इसको दोस्तों पहले फटाफट अपना पैक करते हैं फिर बताते हैं अगर मार्केट में अगर कपड़े दुकान लगाना या फेरी काम करना या सेल लगाना है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और दोस्तों रोज मार्केट जाने का क्या फायदा हो और फेरी जाने का क्या फायदा होता है। तो चलो पहले फटाफट इसको पैक कर लेता हूँ सबको एक एक करके दोस्तों और आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं फेरी में क्या क्या लेके जाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पहला नंबर हम पंखा बंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है दोस्तों वीडियो में, तो ये मेरा पंखा बंद हो गया। और दोस्तों ये कपड़ा सारा उठा के ले चलता हूँ अंदर को, ये जितना भी है फेरी वाला है भाई, और दोस्तों पहला नंबर हम इसी में से माल लेके जाते हैं फेरी पे और आपको दिखाता हूँ भाई फेरी में क्या चीज सबसे ज्यादा बिकता है और क्या क्या चीज हम ले जाते हैं। तो दोस्तों ये है लुगर और लुगर फेरी में भी बहुत अच्छा बिकता है और मार्केट में भी बिकता है अच्छा। तो पहला नंबर जितनी भी टी शर्ट आती है दोस्तों ये मैं खोल लेता हूँ, टी शर्ट आजकल बहुत ज्यादा बिकने वाली आइटम है तो इसको ऊपर रखेंगे और पहला नंबर हम आपको दिखाते हैं ये है टी शर्ट, ये थोड़ा पैक में होता है और ये दोस्तों 50 से लेकर 65-70 रुपये तक आता है बड़ी साइज तक, इसको भी रखते हैं और इसको भी फेरी ले जाते हैं और ये मार्केट में भी बहुत तेज बिकता है तो इसको साइड में रख लेते हैं। और ये दोस्तों कुर्ती आजकल धान की लगवाई में कुर्ती बहुत ज्यादा डिमांड है तो मेरा कुर्ती बिका हुआ था, 2 कुर्ती बिक गया था लेकिन दोस्तों काफी अच्छा लगा मेरे पास कुर्ती लगभग खत्म हो गया है तो इसको भी रखते हैं फटाफट। और जितना भी आइटम लेके जाता हूँ इसी में से लेके जाता हूँ, इसी में से फेरी भी मारता हूँ और मार्केट में भी लेके जाता हूँ। तो ये भी लड़के हैं 5 साल 4 साल 2 साल 3 साल में पैंट शर्ट दोनों सेट में है ये, तो ये इसका भी अच्छा खासा मार्केट में या गाँव में डिमांड होता है जो सस्ता भी होता है और बेचने भी आसान होता है। और दोस्तों ये कैपरी है, कैपरी थोड़ा लेडीज महंगाई की वजह से थोड़ा कम लेती है लेकिन दोस्तों कैपरी चाहे तो सस्ती खरीदे लेकिन दोस्तों 50-55-60 में आता है तो वो लोग 70-60 तक लगाती है बाजार दाम, लेकिन दोस्तों जब भी आप कैपरी लें तो एक चीज आपको दिखा देता हूँ ये कैपरी दोस्तों जब भी लें थोड़ा तगड़ी लें और थोड़ा सस्ती तो नहीं लगेगा लेकिन ये चीज 55-60 रुपये में आता है तो इसको 100 रुपया बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन दोस्तों इसको मैं ले आता नहीं था लेकिन ले आया हूँ लेकिन इसको भी निकाल दूंगा 60-70 रुपये में 100 रुपये में जैसे पाएंगे तो थोड़ा हल्की आ गई है दोस्तों इसलिए समझ नहीं पाया तो इसको बेचने में काफी दिक्कत हो रहा है तो इसको भी दोस्तों रखते हैं इसी में। और दोस्तों ये है फिराक बड़े साइज का तो इसको भी लेके गया था कि सीजन चल रहा है धान का तो हर लड़की के पास होता पैसा तो मैं सोचा ये भी निकलेगा लेकिन दोस्तों एक ही दिन अभी लेके गया हूँ, अभी इसको निकाल देना इस सीजन में दोस्तों, अभी शादी ब्याह नहीं है तो ये निकल जाता तो अब इसको इससे पैक कर लेता हूँ। और दोस्तों कुर्ती बहुत सारी रखा था बस कुर्तियाँ सारी छट चुकी हैं तो ये कुर्ती इसमें पैक कर लेता हूँ। ये दोस्तों लूगर है, इसमें कई डिजाइन का है कई रंग का है तो ज़्यादा डिमांड में रहता है तो इसको भी रख देता है क्योंकि इसको फेरी लेके गया था इसमें 3 पीस बेचा था और अभी दोस्तों ये 5 पीस बचा हुआ है तो इसको भी पैक करते हैं। और दोस्तों इसको भी लेके गया था, ये छोटे बच्चों का जिस टाप है तो काफ़ी अच्छा ये भी बिकता है 100-150-200 में आराम से बिक जाता है दोस्तों तो इसको भी रखता हूँ। और जितना मार्केट में लेके जाता हूँ जो जो छांट के ले जाता हूँ ये फिराक है दोस्तों और फिराक है इसमें से 100 से 150-500 तक है तो ये भी काफ़ी अच्छा डिमांड में रहता है, इसको भी मार्केट में बेचा था लेकिन फिराक कई जगह लोग दिखाने के लिए बोल रहे थे मैं दिखाया नहीं क्योंकि दोस्तों ये रीजन था तो थोड़ा महंगा था इसलिए नहीं दिखाया। और गाँव में क्या होता है कि सस्ता मांगते 250-300 तक तो 250-300 वाला हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। तो अभी ये बहुत सारा कुर्ती है लेकिन कुर्ती इसको साइड में रखते हैं दोस्तों, इसको झोले में रखना क्योंकि अभी बैग में जगह नहीं रहेगा। तो ये है दोस्तों निक्कर और चड्ढा, ये 35 से 40 रुपये में आता है जो 80-90 रुपये में आराम से बेच सकते हो तो इसको भी फटाफट पैक करते हैं दोस्तों।
ये भी दोस्तों है शर्ट, 5 साल तक 6 साल तक, तो ये 150 में खरीद मिला है हमें, 200-250 तक आराम से बिक जाएगा दोस्तों, तो ये भी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है सामान। दोस्तों खोल के इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, अभी मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि परीक्षा देने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसको जल्दी जल्दी पैक कर लेते हैं। तो अभी इसमें अंगोछा है, काला अंगोछा है, व्हाइट है और पीला है, लाल है, तो ये सब 100 रुपया 80 रुपया आराम से बिकता है, जो 50-55-60 में मिलता है दोस्तों, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं दोस्तों फटाफट इसको। दोस्तों जींस भी लेके गया था मैं, कहा कि अगर जींस बिकेगा कोई डिमांड करेगा, तो आजकल जींस टॉप का डिमांड ज़्यादा होता है, तो जींस टॉप दोस्तों लेके गया था, 2-3 दिन डिमांड हुआ था लेकिन लिए नहीं थे, वो लोग देखे थे, बोले कि बाद में लूंगा, अभी लगवाई जाते तो बाद में आना तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तब लूंगा, तो मैं रखा रहता हूँ इसको भी, तो इसको भी इसी में रख देता हूँ। ये दोस्तों निकर है और इसमें का बिका हुआ था, 2-2-3-3 पीस बिका था फेरे में, तो बढ़िया प्रॉफिट देता है ये भी, अच्छा है, 100 रुपया 80 रुपये का, 80 रुपये आराम से बिक जाता है दोस्तों। ये दोस्तों बर्थडे का है, ये 3 पीस है, ये भी नहीं बिका है लेकिन ये भी चांस है सीजन में तुरंत बिकने वाला आइटम है, तो इसको भी रखता हूँ, और ये फिराक है दोस्तों, इसको भी रखता हूँ। और प्रिंस एक बार दिखा दो किस तरह हम पैक करते हैं, एक एक चीज अच्छे से पैक करते हैं ताकि इसको निकालने में मुश्किल ना हो, तो दोस्तों इसको भी फटाफट पैक करते हैं। ये जींस टॉप है छोटे बच्चों को लेके, तो ये भी काफी अच्छा डिमांड में रहता है दोस्तों। दोस्तों ये है कुर्ती के साथ में आता है, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये लेगी है, ये इसी तरह आता है, ये थोड़ा सस्ता में होता है लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड में यही होता है, जो उस तरह गरीब की लड़कियां होती हैं या जिसके पास थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम होता है, तो सबसे ज्यादा यही खरीदती है, तो इसको रखना बहुत जरूरी है, तो भाई इसको भी रखता हूँ, अभी इसमें से एक पीस नहीं बिका है। और ये है टी शर्ट दोस्तों, अभी देख सकते हो लड़कियों को 60-65-70 रुपये में आता है, 100 रुपये में आराम से बिकता है, 80 रुपये में आराम से बिकता है, जिसका जैसा प्रॉफिट होता है उससे बेच देता है, तो इसको भी रखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है प्लाजो, इसका प्लाजो खुला हुआ है तो उसको यहाँ नहीं रखेंगे। ये भी फिराक है दोस्तों, 5-6 साल बच्चों तक, तो इसको भी रख लेते हैं। तो दोस्तों ये है ट्राउजर, और ये भी काफी अच्छा डिमांड है, तो 2 पीस बचा है, सारा बिक गया है, तो इसका अभी मैं पैकेट में निकाल के रख लिया हूं दोस्तों, पहले से इसमें रखा हुआ था, जितना खुला था वो सारा बिक गया, तो इसको अच्छे से धुल के रख लेता हूं। और अब दोस्तों आपको दिखाता हूं जो खुला पीस होता है, जो मैं बाहर टांग के रखता हूं, वो किस तरह आपको रखना चाहिए। चलो तो दोस्तों ये प्लाजो है, इसको मैं सस्ता ही खरीदा था, लेकिन दोस्तों इसको जैसे रेट मिलेगा उसी हिसाब से बेचते चले जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि कपड़ा वो इसी तरह है, मतलब ये कपड़ा बहुत कम बिकता है। और दोस्तों कभी भी आप सामान अगर लाइए, कपड़ा खरीद के, प्लाजो टी शर्ट कभी भी लाइए, और प्लाजो में सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि आपको मुलायम कपड़ा होना चाहिए, जब लड़के को चुभे ना, तो ये थोड़ा सा मतलब कपड़ा अजीब सा है, तो इसको सस्ता ही लाया था, लेकिन ये भी 60-70 रुपये तक आराम से बिक जाएगा, तो काफी प्रॉफिट आ जाएगा। और दोस्तों इसका बहुत सारा पीस है, अभी ये सारा अलग है, लेकिन दोस्तों ये जितना गट्ठर अलग बांधा हूँ ये महंगा आता है दोस्तों, ये 75-80 रुपये में, 60-65 रुपये में खरीद मिलता है, जो 100-120 रुपये में आराम से बिकता है, तो इसको भी फटाफट लेके गया था, इसको भी लेके गया था फेरी में, तो इसको भी बाजार भी लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों जो गंदा कपड़ा होने लगता है उसको फेरी में भी बेच लेते हैं और मार्केट में भी बेच लेते हैं, तो ये भी दोस्तों अच्छा खासा आधा प्रॉफिट लेके जाता है। इसका 4-5 पीस बचा है, 4 पीस, हाँ 4 पीस बचा हुआ है, और काला तो बहुत जल्दी बिकता है, काला 2 पीस बिका हुआ था फेरी में। तो दोस्तों ये है, ये भी 4-5 पीस बचा हुआ है, और इसको भी अभी जब तक पूरा खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक दोस्तों माल नहीं लूंगा, क्योंकि इसको भाई खत्म करना बहुत जरूरी है, अगर ज्यादा दिन खुला होता है तो गंदा होने लगता है, तो बिकता नहीं है, तो चलो इसको फटाफट पैक कर लेते हैं, जितना भी खुला आइटम है, और आपको बता भी रहा हूं किस तरह पैक करना दोस्तों। आ जाओ, दोस्तों अभी आप देख सकते हो कितना मस्त पैकिंग हो रहा है, और जितना भी बंडल बंधा हो उसको पहले पैक करना है, और जो खुला हो पीस तो उसको इसी तरह तह लगा के रख देना है, ताकि वहां दुकान लगाने में आसानी हो जाए, खुला खुला पीस पहले टांग दे, उसके बाद आराम से लगाते रहे दुकान, तो मुश्किल नहीं होता दोस्तों, तो इसको ऐसे अभी रख देता हूँ फटाफट जितना भी है। ये देखो अभी ये बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, तो इसको डबल रखेल करना था, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा 5 पीस और बचा हुआ है,
तो दोस्तों फाइनली अभी देख सकते हो किस तरह पैकिंग कर लिया अच्छे से। और भाई इसी तरह आपको भी पैकिंग करना है कपड़ा, और इस तरह जब आप बोरी बनवा लोगे इस तरह तो 250-250 में बन जाता है 5 बोरी का। तो आराम से आप इसमें 50 से 60-70-80 हजार रुपए तक इसमें माल भर सकते हो, जिस तरह छोटा बड़ा बनवा सकते हो। तो बहुत अच्छा ये पैकिंग करने के लिए, और ये बारिश आएगा तो इसमें भीगेगा भी नहीं, इसे बांध दो चारों तरफ से आसानी से। और बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो बारिश आए तो हल्का फुल्का पानी डाल दो, तो उसके बाद नुकसान नहीं होता। तो अभी अच्छा है, हर चीज से सेफ्टी है, धूल मिट्टी से हर चीज से, कहीं गिर भी जाएगा तो जल्दी से बोरी फटेगा नहीं। तो इसके ऊपर दोस्तों ये सीधा हम डाल देते हैं कपड़ा, इसी तरह डाल के दोस्तों इसको रस्सी से बांध देते हैं अच्छे से, तब बढ़िया फिनिशिंग हो जाएगा। आप लोग असर देखोगे तो हम इसी तरह ले जाते हैं बांध के। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कपड़ा इसी तरह बेचना है या आपको सीखना है या कुछ भी आपको अगर जानना तो दोस्तों जरूर कमेंट में करना, क्योंकि हमारी जर्नी इसी तरह है और रोज मैं इसी तरह मार्केट लेके जाता हूँ, फ्री लेके जाता हूँ कपड़ा। तो दोस्तों चलता हूँ अभी, फटाफट नाश्ता पानी कर लिया हूँ। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।